बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान वीआईपी लगातार ही नियमों का उल्लंघन करते आ रहे हैं। एक बार फिर एक ऐसा मामला सामने आ गया जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन किए, जबकि बीते एक साल से गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। आम श्रद्धालु रैलिंग से बाबा महाकाल के दर्शन कर जल्द से जल्द गर्भगृह में सभी का प्रवेश दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को ना मानकर वीआईपी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिए जाने से श्रद्धालु काफी नाराज हैं। वैसे इस मामले में कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार हुआ कि गुरुवार की शाम को श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे अपनी पत्नी और दो अन्य लोगों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, जिन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और उसके बाद बाबा महाकाल की भक्ति में लीन भी दिखाई दिए। सांसद श्रीकांत शिंदे परिवार सहित गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर यहां से जा चुके हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और इस मामले पर बवाल मचा हुआ है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना है कि सांसद श्रीकांत शिंदे और उनके परिवार को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। ये लोग गर्भगृह में कैसे पहुंचे, इस मामले में जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन व्यवस्था भेदभावपूर्ण है। यहां आम श्रद्धालुओं को 50 फीट दूर से बाबा महाकाल के दर्शन करवाए जाते हैं, जबकि वीआईपी श्रद्धालुओं को गर्भगृह से दर्शन करवा दिए जाते हैं। शुरुआत से ही हम ऐसी दर्शन व्यवस्था का विरोध करते आ रहे हैं। इस मामले में भी सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ उनकी पत्नी और दो अन्य लोगों को गर्भगृह में ले जाकर दर्शन करवाना सरासर गलत है, जिसकी अनुमति से सांसद और उनके परिवारजन गर्भगृह में पहुंचे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना कलेक्टर का है। आखिर सांसद श्रीकांत शिंदे श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में कैसे पहुंचे, इस बात की जानकारी लेने के लिए जब महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ को फोन लगाया गया तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आया।